नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खुशबूदार जड़ी के बारे में बताएंगे जो पूरा साल उपलब्ध होती है। स्वाद, सौंदर्य और सुगंध का अनूठा संगम माने जाने वाले गर्मी बरसात में विशेष गुणकारी 30 जातियों 500 प्रजातियों वाले मेथा वंश से संबंधित 12 मासी पुदीना को संजीवनी बूटी कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। पुदीना के सांस महकाने, पिंपल भगाने, त्वचा निखारने जैसे कई अनूठे चमत्कारिक गुणों को आयुर्वेद ने भी स्वीकारा है। इतना ही नहीं, पुदीने पर हुए ताज़ा शोध में पता चला है कि इसमें कई ऐसे एंजाइम उपलब्ध हैं जो कैंसर से भी बचाव करते हैं। पुदीना विश्व में कहां कहां पाया जाता है? पुदीना एक बारहमासी खुशबूदार ऐसी जड़ी है जो लगभग 30 जातियों और 500 प्रजातियों में उपलब्ध है। पुदीने के पौधे का सबसे अधिक उत्पादन आज भारत के अलावा ब्राज़ील, पैरागुए, चीन, अर्जेंटीना, जापान, थाईलैंड, अंगोला, इंडोनेशिया और पश्चिमी अफ्रीका में किया जा रहा है। इसकी विभिन्न प्रजातियां यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। पेपरमिंट और पुदीना एक ही जाति से संबंधित हैं, परंतु इनकी प्रजातियां अलग अलग हैं। पुदीने को स्पीयरमिंट के वनस्पतिक नाम से पहचाना जाता है। गौर हो कि विश्व का 70% स्पीयरमिंट उत्पादन अकेले संयुक्त राज्य में होता है। पुदीने में विटामिन ए, बी, सी, डी और ई की होती है प्रचुर मात्रा। गर्मी और बरसात की संजीवनी बूटी कहे जाने वाले, स्वाद, सौंदर्य और सुगंध का संगम कहे जाने वाले पुदीना में विटामिन ए, बी, सी, डी और ई के अलावा आयरन, फास्फोरस और कैल्शियम भारी मात्रा में उपलब्ध है। जापानी मिंट मेंथोल का प्राथमिक स्रोत है। पुदीने की ताज़ी पत्ती में 0.4 से लेकर 0.6% तक तेल पाया जाता है। पुदीने में उपलब्ध हैं औषधीय गुण। पुदीने में भारी मात्रा में औषधीय गुण उपलब्ध हैं। संस्कृत में पुदीने को पतिहा कहा गया है, यानी कि दुर्गंध का नाश करने वाला। इस गुण के कारण ही पुदीने का च्युइंगम, टूथपेस्ट में तो प्रयोग किया ही जाता है। इतना ही नहीं, मेंथोल का उपयोग बड़ी मात्रा में दवाइयों, सौंदर्य प्रसाधनों, कन्फेक्शनरी, पेय पदार्थों, सिगरेट, पान मसाला को सुगंधित बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग भोजन में रायता, चटनी में खास तौर से किया जाता है। चाट, जलजीरे, गन्ने के रस में पुदीने का रस मिलाकर पीना स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। कई नहाने के साबुनों, शरीर पर लगाने वाले सुगंधों और एयर फ्रेशनर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा पद्धति में हो रहा है विशेष उपयोग। आयुर्वेद में पुदीने को संजीवनी बूटी कहा गया है। यूनानी चिकित्सा पद्धति में पुदीने का विशिष्ट प्रयोग अर्क पुदीना बेहद लोकप्रिय है। हकीमों का मानना है कि पुदीना सूजन को नष्ट कर आमाशय को शक्ति प्रदान करता है, हिचकी को बंद करता है, पीलिया को रोकने में भी इसका प्रयोग लाभदायक होता है। आयुर्वेद के अनुसार पुदीने की पत्तियां कच्ची खाने से शरीर की सफाई होती है व ठंडक मिलती है। पुदीने की चाय या पुदीने के अर्क के सेवन से शरीर में से विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। मेंथॉल ऑयल पुदीने का ही अर्क है जो दांतों से संबंधित रोगों को दूर करने में मदद करता है। जहरीले जंतु के काटने वाले स्थान पर पुदीने का रस लगा देने से विष का असर कम हो जाता है। पुदीने की सुगंध से बेहोशी भी दूर हो जाती है। पुदीने से निकलने वाला तेल पेट की शिकायतों में, प्रयोग की जाने वाली दवाइयों, सरदर्द, गठिया दूर करने के लिए और खांसी की गोलियां इत्यादि बनाने के काम आता है। सांस को महकाए। सांसों की दुर्गंध को दूर करने के लिए पुदीने की सूखी पत्तियों के चूर्ण से मंजन करें। यह न केवल आपकी सांसों को ताज़ा बना महकाता है, बल्कि साथ ही अन्य दंत समस्याओं में भी छुटकारा दिलाता है। इसके साथ ही इससे मसूड़े भी मजबूत होते हैं। पिंपल हटा, चेहरा दमकाए। पुदीने की कुछ पत्तियां लेकर पीस लें, उसमें 2 से 3 बूंद नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर कुछ देर के लिए लगाएं, फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लें। कुछ दिन ऐसा करने से मुहासे ठीक हो जाएंगे, चेहरा भी चमकने लग जाएगा। गर्मी, लू लगने से करें बचाव। गर्मी में लू से बचने के लिए पुदीने और प्याज की चटनी बनाकर सेवन करने से गर्मी के सीजन में लू लगने से बचाव होता है। अगर इसका सेवन नियमित रूप से किया जाए तो लू लगने की आशंका पूर्ण तौर से खत्म हो जाती है। अधिक गर्मी या उमस के मौसम में जी मचलाने पर 1 चम्मच सूखे पुदीने की पत्तियों का चूर्ण और आधी छोटी इलायची के चूर्ण को 1 गिलास पानी में उबालकर पीने से लाभ होता है। पेट के रोगों का करें निदान। पुदीने की पत्तियों का ताज़ा रस नींबू और शहद के साथ समान मात्रा में लेने से पेट की हर बीमारी में आराम मिलता है। खांसी, जुकाम, बुखार से दे राहत।
पुदीने का रस काली मिर्च और काले नमक के साथ चाय की तरह उबालकर पीने से जुकाम, खांसी और बुखार में राहत मिलती है। हिचकी करे बंद, इसकी पत्तियां चबाने या इसका रस निचोड़कर पीने से हिचकी आना बंद हो जाती है। सर दर्द में दे आराम। सर दर्द में ताज़ी पत्तियों का लेप माथे पर लगाने से दर्द में आराम मिलता है। आवाज़ को करे साफ, पुदीने के रस को नमक के पानी के साथ मिलकर कुल्ला करने से गले का भारीपन दूर होता है और आवाज़ साफ होती है। तो दोस्तों, यह थी पुदीने से जुड़ी जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।